ये अच्छे से समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात। आपको आपके अंदर जो चलने वाली कसाएं हैं वे कसाएं आपसे ज़्यादा होशियार हैं। क्या कहा मैंने? आपके अंदर जो चलने वाली कसाएं हैं वो आपसे ज़्यादा होशियार हैं। आप देखो, आपका क्रोध तभी व्यक्त होता है जब आप व्यक्त कर सकते हो। देखिए बात समझी, नहीं समझ में आई, समझाता हूँ। आप किसी पर क्रोध करने की सोच ही रहे थे और एकदम गुस्सा आ गया था कि उसने गाड़ी गलत तरीके से निकाली थी, और आप एकदम बड़बड़ा के बोले, देख के नहीं चलता, अंधा है क्या? क्रोध आया ना, और क्रोध आपका और ज्यादा बढ़ने वाला था। इतने में से गाड़ी में से जो आदमी उतरा वो देखा पुलिस वाला है। क्या हुआ? क्रोध कहाँ गया? आया क्यों नहीं? जब क्रोध अंधा होता है तो पुलिस वाले को देख के कहाँ चला गया? इसका मतलब वो आपसे ज्यादा समझदार है। क्रोध समझता है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं, ना पिट जाऊंगा, बराबर है, चलो मान के साहब पे आ जाओ। एक इतना उदाहरण काफी है, अब लगा लेना। अब मान के साहब पे आ जाओ, आप मान कसाय में गहराई में जाके देखोगे, आपकी मान कसाय भी बहुत सोच समझ के प्रकट होती है, सब जगह नहीं प्रकट होती। जैसे देखो, आप बहुत सारे बड़े आदमी बैठे हुए हैं, मंदिर में बहुत लाखों का दान चला गया और आपने उतना दान नहीं दिया, तो आपकी मान कसाय दूसरे एंगल से निकलेगी। फिर उस एंगल से नहीं निकलेगी कि मेरे भी लोगों, नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, फिर आपकी ऐसे निकलेगी, क्या होता है पैसा देने से? ये सब पाप की कमाई है। समझ में आया ना जैन साहब? काहे की कमाई है? अरे जैन साहब, आप नहीं जानते पंडित जी, ये जितने दे रहे हैं लाखों रुपए के दान, आपको नहीं पता ये अंदर खाने काहे के धंधे करते हैं, ये सब टैक्स के चक्कर में कर रहे हैं। और सुनो, ये खुद ही सोच रहा है वो धन घड़ी कब आएगी जब हम टैक्स की चोरी करें। लेकिन अभी वो मान कसाए यूं घूम रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये टाइम ऐसे व्यक्त होने का नहीं है। ऐसी आप क्रोध मान मायाचारी, आप मायाचारी हमेशा जहां कमजोर पड़ते हैं वहां चालू करते हैं। मायाचारी हर जगह नहीं करते, आपको लगता है कि यहां मैं कह नहीं सकता कुछ भी, जैसे भी उस क्रोध पे घटित कर लो। जब आप क्रोध नहीं कर पाए तो आप उस क्रोध को तुरंत मायाचारी में कन्वर्ट कर लोगे। काहे में कन्वर्ट कर लोगे? अभी कहे थे अंधा है क्या, अब कहोगे साहब आपकी गलती नहीं है, मेरी है, आप तो सही निकाल रहे थे, सॉरी सर मैं गलत आ गया। वो कहेगा नहीं नहीं अभी क्या कह रहा था तू? अरे सर वो मैं तो समझा नहीं, आप हो, देखो मुंह पे कह रहा, आप हो मैं समझा नहीं, मतलब कोई और होता तो मैं यही कह रहा था कि तू अंधा है। ऐसे जगत के बकवास लोग हैं, मतलब वो पुलिस वाला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, तू मतलब मेरे से तो नहीं कह रहा था? ना ना, वो तो आपको देखा नहीं इसलिए ऐसा, आपको देख के तो सब समझ में आ गया। वो बोले खुश हो जाता है, वो भी कितना बेहोश है, वो कहता साहब ने अंधा बोल रहा है, और मुझे देख के अब कह रहा है कि मैं आपसे नहीं बोल रहा था, मैं तो सोचा कोई ऐसे ही बैठा हुआ। अब ये तुम्हारा सारा क्रोध काय में कन्वर्ट हो गया मायाचारी। अब यही मायाचारी लोभ में कन्वर्ट हो जाती है। आप इन चारों कसायों को देखोगे ध्यान से, क्रोध मान माया लोभ, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका लोभ मान से जुड़ा हुआ है, आपका लोभ मायाचार से जुड़ा हुआ है, मायाचार लोभ से जुड़ा हुआ है, मान क्रोध से जुड़ा हुआ, सब जुड़े हुए। वे अलग अलग नहीं है, वे आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल वे वैसे ही है कि जैसे आपने आइसक्रीम बनाई, तो आइसक्रीम में क्या किया कि एक खांचा है पान के आकार का, तो उसमें जमा दी, तो कैसी जमेगी वो? पान जैसी। कोई है बढ़िया ऐसा, कोई दूसरा आकार, कोई ऐसा, तो कई आकार की जमे, लेकिन मूल में क्या है? वो तो एक ही चीज़ है, चाहे इसको खाओ चाहे उसको खाओ। ऐसे ही मूल में कसाय भाव एक है, कसाय चार तरह की नहीं है, मूल में कसाय एक ही है, और उसके वो व्यक्त करने के तरीके चार हैं, तरीके अलग अलग एंगल से प्रकट होते हैं। और वे कौन से एंगल है वो बता दिए मैंने, कि वो आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि आपकी कैसी परिस्थिति रहेगी तो आप कौन सी कसाय करोगे। महिलाएं मायाचार बहुत करती है ऐसा आरोप लगाते लोग, ऐसा नहीं है, वे परिस्थिति के कारण मायाचार करती हैं।
अगर महिलाएं अच्छी बढ़िया नौकरी वोकरी में चली जाए, वो बढ़िया पावरफुल बन जाए, तो फिर उनका पति मायाचार करता है, वो नहीं। देखा ऐसी पत्नी पति के जोड़े देखे कि पति घर पर रोटी बनाता है और पत्नी काम करके आती है। तो देखो वो पत्नी जो काम करके आती है वो पति जैसा व्यवहार करती है, नहीं देखा? नहीं देखा? आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा? अच्छा है, नहीं देखा, समझ में आया। मैंने देखा ऐसा मतलब मैंने मेरे घर में नहीं होता मैंने किसी और के यहाँ देखा, मैंने ऐसा देखा भाई साहब। अरविंद जी ने भी देखा, हम और अरविंद जी ने, जैन साहब ने भी देखा, हम और अरविंद जी ने साथ साथ में देखा, क्योंकि हम और अरविंद जी उसी जगह पे बैठते थे। हमने ये देखा भाई साहब, सच बता रहा हूँ, पत्नी आई, उसका पति से कह रही पानी लेके आना, वो पानी लेके आ रहा भाई साहब, वो पानी दे रहा, समझ में आया। वो कह रही खाने में क्या बनाया, वो कह रहे ये बनाया। अब देखो ये कैसे बदल गया, जब स्त्री की नेचर है तो स्त्री जैसी होनी चाहिए, पुरुष की नेचर पुरुष जैसी होनी चाहिए, बदल क्यों गई? सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। उसको पता है कि कमाने वाली ये है और मैं नहीं कमाने वाला, तो देखो अपने आप ये ऐसा हो जाता है, वो वैसी हो जाती है। ये जगत का स्वरूप है, आप ये कभी मत मानो कि ये सब स्त्री ऐसी नहीं, ये सब परिस्थितियां आपको वैसा बनाती हैं। आप रियल में कैसे हो ये आपको आज तक पता ही नहीं। आप रियल में तो ज्ञान दर्शन में ही चैतन्य वस्तु हो, इसके अलावा कुछ आप और हम हैं ही नहीं। हम बने बनाए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हैं और जानने देखना का हमारा स्वरूप है, इसके अलावा कोई भी जीव और कुछ है नहीं। बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी अगर नेचर है वो परिस्थिति के कारण है, और आपका शरीर है वो कर्म के उदय के कारण है, और वे संयोग है वे कर्म के उदय के कारण है। वास्तविकता में देखा जाएगा आपका खुद कुछ, आपका जो क्रोध मान, लोग कहते हैं ना इनका क्रोध ज्यादा इनका मान ज्यादा, ये तो सब बहुत औपचारिक हैं। अच्छे अच्छों के मान गलत होते देखा है, माने दबते हुए देखा है, बहुत मान थे और परिस्थितियां बिगड़ी, देखी परिस्थिति, समझते हो ना। हमारे घर में जब हमारे सुनाते हैं कि हमारे जो बाबा थे जब ये जवान थे, जब उनकी धर्मपत्नी थी, तो इतने गुस्सा इतना गुस्सा आता था कि अगर रोटी को एक मिनट लेट हो जाए तो चूल्हा होता था पहले लकड़ी वाला, उसमें सीधा जाके पानी डाल देते थे। मतलब वो इसका समझते हो, क्योंकि वो चूल्हा जलाना इतना कठिन था, उसको ये समझ समझना कि पानी डाल दिया तो अभी खट से तुम तो लाइटर से दोबारा जला लोगे, वो दोबारा फुहारा नहीं जलता, उसको दोबारा जलाने में आफत हो जाए, और पानी और डाल दिया हो तो भाई साहब उसको पूरा साफ करो, वो तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और ऐसा क्रोध ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा हमने उनके बारे में सुना था, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं। देखा तो हमने उनको ऐसा है कि रोटी 12 बजे की जगह 2 बजे ही मिल रही है तो शांति से बैठी। अब वो क्रोध कहाँ चला गया? कि परिस्थिति बदल गई, अब पत्नी से गाड़ी बहू के हाथ में आ गई, अब शांत हो जाओ। तो वो क्रोध रहना चाहिए ना वैसे ही जैसा पहले आता था, कि नहीं ये ही वस्तु का स्वरूप है, कि ये जो तुम सोचते हो कि ये बहुत क्रोधी है, नहीं, परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाता है। ना क्रोध पता चलता है, ना मान पता चलता है, ना हमने अच्छे अच्छे मानियों को कि जिनकी तूती बोलती थी बाद में सबसे सलाम करते देखा है। परिस्थिति बदल गई, कभी लोग सीधे मुंह बात नहीं करते थे और अब देखा कि कोई नहीं पूछ रहा, और बाल बच्चों की शादी करनी है तो सामने से जा के बोलते फिरते, क्यों भैया अब ऐसे ही रहो ना, तो कुछ नहीं। ये बाहर का जो जीव का स्थिति है, स्ट्रक्चर है, ये वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम नौकर्म नहीं हो, तुम द्रव्य कर्म नहीं हो, ये दो बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो तीसरी बात वो कहते हैं कि तुम भाव कर्म नहीं हो, वो तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आज से मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे भाव कर्म भी तुम्हारे रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार निर्मित होते हैं।
गाय के अनुसार निर्मित होते हैं। ये भाव तुम सोचते हो मैं कर रहा हूँ, ये भाव मैं कर रहा हूँ, तुम कहाँ कर रहे हो? जैसी परिस्थिति बन रही है वैसे हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे बोलो ना। कितने बार भोजन करते हो? दो बार करते। कौन करता है? मैं करता हूँ। नहीं, तुम नहीं करते। अभी परिस्थिति बदले और शरीर दो की जगह एक बार मांगने लगे तो कितने बार करोगे? एक बार। और अभी सर्दी जो काम खांसी हो जाए, स्वाद आना बंद हो जाए, तो तुम क्या करोगे? फिर वैसे ही अपने आप सेट करोगे ना परिस्थिति के अनुसार। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बात तुम्हें देखने के लिए कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दो बातें देखने के लिए ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चाहिए। ये दो बातें देखना, इसका नाम पुरुषार्थ है। इन दो बातों को समझकर अपने को आत्मा की ओर ले जाना, ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। इन दो बातों को समझकर इनसे भेद ज्ञान करते हुए अपने को ज्ञानमयी, चेतनमयी, आनंदमयी वस्तु अनुभवना, इसका नाम भेद ज्ञान है, इसका नाम धर्म है। और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि आपको मैंने सुनाया अथवा किसी ने सुनाया और आपने सुन लिया और आप सोचते हो कि समझ गए। ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसके लिए टोडा मल जी साहब ने अपने को लिख दिया, वस्तु स्वरूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार हुए कि मैंने किए? क्या कहा मैंने? ये भाव परिस्थिति के अनुसार हुए कि मैंने किए? ये बात देखने के लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। उस जागृति का नाम ही तत्व विचार है।